इसको सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेट बटन पे लेकर आऊँगा। देखो ये देखो, यहाँ पर इनेबल हो गया, अभी कार 40 पे चलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हुंडई एक्स्टर। और ये जो मेरी कार है, ये हुंडई एक्स्टर का SX AMT वेरिएंट है। और मैंने SX वेरिएंट इसलिए चूज़ किया, ना मैं इसके ऊपर गया ना इसके नीचे गया, क्योंकि SX वेरिएंट से ही ना आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलने लगता है। और मेरा क्या है ना, मैं आउटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो हाईवे ड्राइव मेरा काफ़ी है। और हाईवेज में आपको पता ही कि क्या करना होता है, स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहना होता है बस एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर, तो क्रूज़ कंट्रोल मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर था, इसी के लिए मैंने ये SX वेरिएंट चूज़ किया। और इसके बटन्स ये सारे स्टीयरिंग पर होते हैं, ये राइट साइड में। और किस बटन का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है एक पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बटन्स एक्सप्लेन किए थे, तो मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन पर डाल दूँगा, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हो कि किस बटन से क्या होगा। तो चलो आज इसका लाइव डेमो देखते हैं कि आखिर ये सारे बटन्स का फंक्शन तो आपको मालूम चल गया, पर अब ये काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं आज आज की वीडियो में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है, उसके बटन्स तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पर दे दूंगा। तो उसका सबसे पहला प्री कंडीशन तो ये है कि आपकी कार की स्पीड जो है 30 के ऊपर होनी चाहिए। उसका देखो, आपको ये बटन है आपका क्रूज़ का, ठीक है, मैं इसको 1x कर देता हूँ, तो इससे आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है सिस्टम वो यहाँ पर दिखाने लगेगा कि क्रूज़ अभी इनेबल हो गया है, अभी सेट नहीं हुआ। देखो ये मैंने बटन प्रेस की, यहाँ पर ये आ गया कि क्रूज़ ये वो सब। तो अभी आप जो है, अभी आपको स्पीड पे सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस करना है, आप MID पर देखना, ठीक है, बटन प्रेस किया तो MID पर ये आ गया। और अब उसके बाद आप मेंटेन करो स्पीड, आपको कितनी स्पीड पे क्रूज़ लगाना है। सपोज जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर इतनी स्पीड पे मेरे को सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेट बटन पे लेकर आऊँगा। देखो ये देखो, यहाँ पर इनेबल हो गया, अभी कार 40 पे चलती रहेगी। इसके बाद अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं इसको प्रेस करूँगा एक बार, तो स्पीड वहाँ देखो 41 हो गई, तो ये 41 हो गया। अभी मैं एक एक करके बढ़ाते जाऊँगा तो कार खुद से ही 50 पे पकड़ लेगी। और इसी का अपोजिट माइनस बटन से क्या होगा, मुझे कार की स्पीड कम करनी है और मेरा पैर बिल्कुल भी रेस पर नहीं है, तो फिर मैं माइनस करूँगा। देखो ये स्पीड कम होते जा रही है, जो 40 हो गई वहाँ पर, कार ऑटोमेटिकली 40 पे आ जाएगी और फिर 40 पे कंटिन्यू करेगी। जो खुद ही ये ब्रेकिंग ले रही है और 40 पे पहुँच जाएगी, 40 पे पहुँच गई, अब ये चलती रहेगी। इसके बाद फिर अगर आपको ये, और फिर इसी का अगर आपको स्पीड और देसी बढ़ाना है, जैसे 40 से आपको 80 पर लेके आना है, तो आप ये कब तक एक एक बार प्रेस करते रहोगे, तो आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है, देखना स्पीड 10 से बढ़ेगी। देखो 50, 60, 70, 80 ऐसे आ जाएगी, और अभी कार खुद से ही 80 की स्पीड पकड़ेगी, जो मैंने रेस नहीं दी है, जो धीरे धीरे 80 पर लेके जाएगा और फिर 80 पे कंटिन्यू करेगा स्पीड को। ये देखो 80 पर आ गए और अभी 80 पर ही चलती रहेगी कार। और फिर आपको अगर स्पीड कम करनी है तो होल्ड करके रखो, खुद से ये 60 पर ले आएगा स्पीड को धीरे धीरे। ये देखो 60 पर आ गई। इसके बाद अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल करना है, कि अगर आपको अभी नहीं चलानी 60 पे, आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए कि मैं जितनी स्पीड करूँ, तो आपको सिंपल है, ब्रेक पैडल प्रेस कर दो या फिर रेस दे दो, दोनों में से आप कुछ भी कर दोगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। और उसके बाद स्पीड कितने पर सेट थी, आई थिंक 60 पर थी। आपको अगर वहीं से अभी रिज्यूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम बटन पर जाओगे ऐसे, तो देखो 60 पे आ गया उसका, तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये 60 पर लेके जाएगा। आप जिस भी स्पीड पे थे वो 60 पे ले आएगा फिर।
तो आप क्रूज को कैंसिल करने के लिए ब्रेक दबा सकते हो या रेस दबा सकते हो। और सेट करने के लिए आपको सिर्फ सेट बटन दबाना है, तो जो भी स्पीड अभी है वो सेट हो जाएगी। देखो 53 पे सेट हो गया। और आपने कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल बटन दबा दो। कैंसिल करने के लिए कैंसिल बटन दबा दो, रेस दबा दो या ब्रेक दबा दो, तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर प्रीवियस सेट स्पीड पर लाने के लिए सेट बटन। और स्पीड बढ़ाने के लिए प्लस को होल्ड करोगे तो 10-10 से बढ़ेगा। ये देखो 50 पे हो गया, 60 पर हो गई। तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करें वो देखने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और कहाँ नहीं करना चाहिए। पहले इसका यूज़ है वो तो यहीं पर है कि जब भी आप हाईवे पर जा रहे हो, जैसे कि एक्सप्रेसवे होता है, बाईपास रोड होता है, जैसे अपना ये नागपुर से मुंबई वाला समृद्धि एक्सप्रेसवे है, उसमें आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैंने भी किया था, उसमें करीब 450 किलोमीटर तक मैं उसमें था। नागपुर से मैंने एंटर किया था और औरंगाबाद से मैंने एग्जिट लिया था, तो करीब 450 किलोमीटर्स होता है, तो वहाँ मैंने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया था। तो आप एक्सप्रेसवे में यूज़ करोगे और भी जहाँ सीधा रोड है और ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ आपको मालूम है कि आप एक स्पीड मेंटेन कर पाओगे, तो वहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना होता है। और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है आपको, जब भी आप हिल्स वगैरह माउंटेंस पर ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कार सपोज़ एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पर मूव करेगी, और हिल्स में क्या है कि कहीं भी कुछ भी आता है, मीन्स कहीं भी स्टीप इंक्लाइन आ जाता है, कहीं भी टर्न्स आते हैं, तो वहाँ पर फिर ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ पर आपने इसको यूज़ नहीं करना है। और जो क्रूज़ कंट्रोल है ना, वो ऑटोमेटिक कार में ही ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज़ आपने 60 की स्पीड पर क्रूज़ कंट्रोल सेट किया है, तो कार क्या है कि सपोज़ आपकी कार मैनुअल है तो आप फिफ्थ गियर में 60 की स्पीड पर चला सकते हो, ठीक है, अगर फ्लैट रोड है तो, अगर ऐसा प्लेन रोड है, कोई उसमें इंक्लाइन डिक्लाइन कुछ भी नहीं है। बट वहीं जैसे आप फ्लाईओवर पर जाओगे तो फ्लाईओवर पर क्या है कि अपहिल सिचुएशन हो जाएगी वो, और वहाँ पर क्या है कि कार को जरूरत पड़ेगी फोर्थ गियर की, क्योंकि फिफ्थ गियर में 60 की स्पीड मेंटेन करेगा तो आरपीएम उसका ऑलरेडी स्लो है, मीन्स इंजन ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस समय पे, और जैसे ही अपहिल सिचुएशन आएगी तो कार को ज़्यादा पावर चाहिए, मीन्स उसको थोड़ा लोअर गियर चाहिए। फिफ्थ गियर में वो अगर लेकर जाओगे तो वाइब्रेट करेगी, हो सकता है कि वहीं रुक जाए, ऐसे झटका दे के वो बंद हो जाए, वैसा भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादातर ड्राइव करने वाले हो हाईवेज पर, स्ट्रेट रोड्स पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटोमेटिक कार ही ले लो, क्योंकि वही अगर आपकी ऑटोमेटिक कार होगी ना, तो फिर वो आप अपहिल हो, डाउनहिल हो, कोई सा भी हिल हो, ठीक है, फ्लाईओवर हो, प्लेन रोड हो, कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिक कार अपने आप ही गियर एडजस्ट कर लेगी, उसको जब भी चाहिए फोर्थ गियर, बिना आपके इंटरवेंशन के, बिना आपके इनपुट के, वो खुद ही सही गियर लगा लेगी और फिर ऑटोमेटिकली बिगर गियर में शिफ्ट भी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और कार भी अच्छे से चलती रहेगी, अच्छी परफॉर्म करेगी। तो जो क्रूज़ कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक कार्स में ही बेस्ट होता है। तो आई होप आपके क्रूज़ कंट्रोल के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ, और ज़्यादा अगर डाउट्स होंगे तो फिर मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा, या अभी भी कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं पार्ट टू वीडियो बना दूंगा। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।